आज आप लोगों के बीच में सबसे पहले मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री, उनको इस भूमि के ऊपर अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये वो भूमि है राजनाथ सिंह जी, जहाँ 36 के 36 कौम आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। ये वो भूमि है जहाँ से प्रेम के बंधन के अंदर बांधने का काम हमारे इस मंदिर से हम लोगों को सिखाया जाता है। ये उस मंदिर के भी सामने हम लोग बार बार आके नतमस्तक करते हैं और प्रेम की कहानी पूरे राजस्थान के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जिन्होंने 11 मई को 1998 में, मैं याद दिलाऊंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज मैं उनको याद करना चाहूंगी, उनके नेतृत्व में हमारे भारत का परमाणु परीक्षण यहाँ इतने जोरदार हुआ और पूरी दुनिया को हमने हमारे भारत की ताकत और शक्ति का एहसास कराने का काम हमारी इस भूमि से उस दिन किया। हमारे रक्षा मंत्री जी ने भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है आपको सबको बताते हुए कि आत्मनिर्भर बनाने का काम इस डिफेंस सेक्टर के अंदर जब कभी भी अपने हाथ में नहीं लिया गया था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, आपने भारत की भूमि के ऊपर किसी को पैर रखने नहीं दिया, कण कण इधर से उधर नहीं होने दिया, और आपके नेतृत्व में हमारी सेना में उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। उसके लिए हम सब जो यहां बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे, हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस परिवर्तन यात्रा का आगाज आप हमारी इस पवित्र भूमि से करने जा रहे हैं। आपके अध्यक्ष काल में 2014 के अंदर आपको याद होगा भाई साहब कि स्पष्ट बहुमत हमको मिला और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने बनाई और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि उन्होंने हमारे देश की धाक और साख पूरे विश्व के अंदर पिछले सालों के अंदर जमाने का काम बड़े जोरदार तरीके से किया है। करोड़ों देशवासियों के जीवन के अंदर खुशहाली लाने का काम किया है और देश में जो गरीबी है उसको कम करने का काम किया है, और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर का निर्माण करने का काम किया है, जिस राम मंदिर के अंदर अब आज खाली सुनने की बात नहीं है परंतु वाके में जाके दर्शन करने का काम हम और आप अब कर सकते हैं। 2003 के अंदर हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हर क्षेत्र के अंदर घुमाई की थी। लोगों से हम लोगों ने वादा किया था कि हम ऐसी सरकार आपको ला के देंगे जिससे सब वर्ग खुशहाल हो जाएंगे। उस वक्त पहली बार भारतीय जनता पार्टी 120 सीट लेकर यहां राजस्थान के अंदर आई थी। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि यह मेरी सरकार या पार्टी की सरकार नहीं, हम सबकी सरकार थी और आप लोगों ने चल के और मजबूती के साथ हम लोगों का उस समय साथ दिया था। भाजपा को ये दो 120 सीट थी, उसमें से जो 31 सीट मारवाड़ की थी उस समय की, उसमें से 23 सीट आपने लाकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया। और हमने भी बहुत मेहनत करके आपके जो सोच था उसके ऊपर खड़े उतरने का काम भी किया। 2013 के अंदर फिर से सुराज संकल्प यात्रा निकली और हम जनता के बीच में फिर से गए और आपने देखा कि हालत क्या हो गई थी। 2003 के बाद सरकार सुखी थी परंतु जनता दुखी थी, सरकार सुखी थी परंतु जनता दुखी थी। और 2013 के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी, आप तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उस समय हमारी अगुवाई की थी और 163 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे राजस्थान का परिवार फिर से उस कुर्सी पर बैठने का काम कर गया। उस समय परिसीमन हो चुका था तो 33 में से 30 सीट आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झोली के अंदर लाके रखने का काम किया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। सरकार के अंदर आपको याद होगा पोखरण फलसून सिवाना पेयजल, आपके पोखरण के अंदर का कॉलेज, आपके महिला कॉलेज, आपके रामदेवरा यात्री के लिए हमने पैदल यात्रा जो रास्ता
वहां जोधपुर से यहां तक बनाने का काम किया था, जिसको ये लोग ठीक भी नहीं रख सके। आज मुझे बताया जा रहा है, और मैं भी करने वाली हूं कुछ दिन बाद, पर मेरे को बताया जा रहा है कि उस सड़क का तहस नहस करने का काम इन लोगों ने किया था। मैं ये चाह रही थी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, जो लगातार होते रहते हैं। मैं चाह रही थी कि वहां से अगर रास्ते से लोग चलना शुरू हो जाएं तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाए, परंतु इन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। 2018 के अंदर फिर कांग्रेस आ गई, थोड़े से वोटों से अपन हारे, और झांसे देख के कांग्रेस आपके बीच में आई। उन्होंने उंगलियों पे गिन के कह दिया कि हम तो 10 दिन के अंदर सब पूरे आप लोगों के जो भी कर्जे हैं वो सब माफ कर देंगे। बातों में आ गए भाई, ऐसे आना नहीं था। अगर अपन सोचते तो कौन कर सकता है 10 दिन के अंदर कर्जे माफ, ये भी सोचने की जरूरत थी। परंतु उनकी सरकार आई और आज आप देख सकते हो कि उससे भी हालत और भी खराब हो गई है। यहां कोई कानून नाम की चीज ही नहीं बची, ना कोई सरकार है, और लूट आतंक ये रोज की कहानी है। हत्याएं रोज करीबन 7 तो हो ही जाती हैं, 20 दुष्कर्म आप लोगों के सामने हो ही जाते हैं, गैंग वॉर, गैंग रेप, क्या मैंने इन्होंने कुछ छोड़ा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आज मैं खाली महिलाओं का ध्यान इसके ऊपर लाना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए महिला अत्याचार के ऊपर। हमारी इस राजस्थान की सरकार नंबर 1 पर है। अशोक गहलोत ने महिलाओं का नाम लेकर बहुत सारी आवाजें उठाई, परंतु जमीन के ऊपर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो अत्याचार आप सबको ध्यान में है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि महिलाओं का मान और सम्मान बनाए रखा, परंतु इन्होंने अपने पिछले 5 साल के अंदर उसको तार तार करके रखने का काम कर दिया है। भामाशाह योजना, पंचायत राज संस्था के अंदर 50% आरक्षण देने का काम, बालिका शिक्षा, साइकिल स्कूटी, राजश्री योजना जिसमें बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए मिल जाते थे, ये स्थिति तो हमने कर दी थी। परंतु आज पूरे महिलाओं के साथ जिस तरीके से काम हो रहे हैं और जिस तरीके से कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ये सरकार बहरी और गूंगी है। महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि महिला अब बैठे बैठे इसको सही गई नहीं। महिला इस देश की, इस प्रदेश की 50% है, और मैं समझती हूँ कि वो समय आ गया है कि हम लोगों को मिलके कंधे से कंधा खड़ा होकर अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। हमारी आवाज तो तभी सुनी जाएगी जब हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पवित्र भूमि के अंदर आप भी अपने मन के अंदर सोच लें, एक प्रतिज्ञा कर लें कि हम सबके साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे और आने वाले समय के अंदर इन लोगों को हटाने का काम करेंगे, इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आगे कमल का फूल लेके कंधे से कंधा मिलकर इस प्रदेश की जनता के पूरे तरह से मदद करने की और मजबूती के साथ मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कमल खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी को लाओ, और ये विश्वास करो कि हमारा परिवार एक दफा फिर से फलेगा फूलेगा और फिर आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ और सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम देते हुए, मैं तो खाली एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग देंगे, भारत माता की जय।